हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजी। तो किस चीज़ की स्ट्रेटेजी? मैं आप लोगों के लिए सीईटी 2022 की स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सीईटी का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, सो इट्स टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज एक अच्छी स्ट्रेटेजी के बिना गोल को अचीव करना बहुत मुश्किल है। सो आई एज्योर यू, अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी से आप एक गवर्नमेंट सीट अपने लिए ज़रूर ले लेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को कम्प्लीटली देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी के लिए हमें पता है 3 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर हमारे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो उनका लेवल किस तरीके का आता है? जो लेवल है आप लोगों का वो 70% ईजी क्वेश्चन होते हैं, 30% मॉडरेट। एंड बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसमें कोई जीके, इंग्लिश या रीजनिंग नहीं। ओके, सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखें तो फिज़िक्स के अंदर क्या आता है, बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो न्यूमेरिकल इतने टफ नहीं आएंगे और इसकी डिटेल्ड वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। केमिस्ट्री में भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर करना है इसकी डिटेल्ड वीडियो चैनल पर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, बायोलॉजी जो है उसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बहुत इजी बायो आने वाली है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ ये है कि आप लोग नीट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन ज़रूर कर जाएं, क्योंकि डे बाय डे जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो बच्चों, अभी से आप लोग 4-5 घंटा डेली पढ़ना शुरू करो और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ सकते हैं उतना ज़रूर पढ़ो, क्योंकि जब तक इनर मोटिवेशन नहीं होगा सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, थैंक यू।